नहीं अभी नहीं, अभी करते हैं लेकिन अभी नहीं हो पाएगा। के भी लोग हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत इंतजार के बाद, बहुत फेलियर के बाद सिस्टम को सही कर पाए हैं और आज आपके लिए लेकर आए हैं अपने मोबाइल से प्रैक्टिकल कॉपी बनाना सीखो। अभी UG सेमेस्टर 1 सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं का जो है स्टूडेंट्स, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है। बहुत सारे महाविद्यालय में जो है एग्जाम आपका पूजा के पहले है, बहुत सारे महाविद्यालय में पूजा के बाद है, तो आपको प्रैक्टिकल कॉपी बनानी पड़ेगी। आप पहली बार प्रैक्टिकल कॉपी बनाएंगे, प्रैक्टिकल कॉपी आखिर कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या लिखना पड़ता है और वह मटेरियल कहाँ से मिलेगा, यही सब पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार कमेंट करके जरूर लिखें, हाँ सर आवाज़ आ रही है, क्योंकि अगले बार जो हम लाइव आए थे आवाज़ नहीं आया था। और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठा सके और अपने मोबाइल से जो है सिलेबस को निकालना सीख सके। तुम तो लिंक अपने व्हाट्सएप में शेयर करो और तुम भी ज्वाइन हो। फोन देखो आवाज आ रही है कि नहीं, लड़का लोग तो कमेंट कर नहीं रहा है। लिंक को अपने व्हाट्सएप में शेयर करो, शेयर में जाओ ना, शेयर में जाओ अपने व्हाट्सएप पर करो और उसको खोलो, मीटिंग को देखो तो आवाज़ आ रही है कि नहीं। कॉपी पे शेयर, हाँ व्हाट्सएप व्हाट्सएप स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है तो कमेंट करके लिखेंगे व्हाट्सएप पे। एक भी कमेंट नहीं आया है स्टूडेंट्स, अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है साफ सुथरा तो आप जरूर कमेंट करके लिखेंगे। क्विक फास्ट अपने में असिस्टेंट वाला से करो। उनसे कभी कुछ नहीं होगा, तो वो बोलना ही मुश्किल है। तो इसको खोलो देखो तो आवाज़ आ रही है, लड़का लोग कमेंट नहीं कर रहा है, प्रोग्राम को हम लें कैसे। आवाज़ आ रही है कि नहीं स्टूडेंट्स, कमेंट करके बताएं जल्दी। क्विक फास्ट आवाज़ आ रही है कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज्वाइन करो मीटिंग को। हाँ तो स्टूडेंट्स आज हम लोग देखेंगे सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के सिलेबस को कैसे आप डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल से, कैसे प्रैक्टिकल कॉपी बनाएंगे। तो आइए देर न करते हुए हम लोग सबसे पहले सिलेबस को डाउनलोड करना सीखेंगे कि आखिर अपने मोबाइल से हम कैसे सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के UG सेमेस्टर 1 के साइंस पेपर और आर्ट्स पेपर, साइंस पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी बॉटनी, आर्ट्स पेपर में ज्योग्राफी साइकोलॉजी एंड होम साइंस का प्रैक्टिकल कैसे हम सिलेबस अपने मोबाइल से निकालेंगे और ये क्या है? और जो है मोबाइल से डाउनलोड करेंगे। आइए देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, उसके पहले वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि कर भला तो हो भला। तो आइए हम लोग सबसे पहले अपने गूगल में जाएंगे और गूगल में हम लोग सर्च करेंगे, गूगल में हम लोग सर्च करेंगे सिलेबस आपके मोबाइल में। देखिए आपके स्क्रीन पर गूगल खुल गया ना, यहाँ पर लिखेंगे SKMU सिलेबस। देखिए पहले प्रैक्टिकल सिलेबस होना चाहिए, जब तक आपके पास क्वेश्चन नहीं होगा आप गूगल में कैसे खोजेंगे। यहाँ पर लिखेंगे SKMU सिलेबस और इसको सर्च कर देंगे।
पहला जो लिंक आएगा उसको क्लिक करेंगे। पहला लिंक को क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स देखिए जो पहला लिंक आ रहा है ये देखिए आपके सामने सिलेबस है, देख रहे हैं एक साइट जो है सब्जेक्ट का नाम है और दाहिने साइड में डाउनलोड है, आप देख रहे होंगे अच्छी तरह से। तो हम लोग सबसे पहले बॉटनी का सिलेबस डाउनलोड करते हैं या जियोलॉजी का किसी का भी एक करते हैं, ताकि जियोलॉजी किसी ही शुरू करते हैं डाउनलोड करते हैं तो सिलेबस हमारे सामने ओपन होगा। और सिलेबस को ओपन होने के बाद ये देखिए आपका कोर वन, देखिए सिलेबस कैसे मिलेगा। देखिए जब आप सिलेबस डाउनलोड करते हैं ना तो एक बात जान लीजिए कि ये जो है सिलेबस जो है ये जियोलॉजी का सिलेबस है, इस सिलेबस में सेमेस्टर वन से सिक्स तक का दिया है, जनरल इलेक्टिव दिया है, सेक दिया है, सारा चीज़ दिया है। तो इस सिलेबस को थोड़ा सा आपको समझना होगा। आप सेमेस्टर वन का आपको प्रैक्टिकल का सिलेबस चाहिए कि जियोलॉजी में क्या होगा, इसी आधार पर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी और होम साइंस का भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मैं करके दिखाऊंगा आपको आपका सिलेबस क्या है। ये जियोलॉजी का देर ना करते हुए हम सिलेबस पर आते हैं, ये सब टेबल है जहाँ ध्यान लगाइएगा तो समझ में आएगा सिलेबस। आपका कोर वन और कोर टू है जिसका आपने एग्जाम अभी हाल में ही लिखा है, आप सिलेबस पर देख रहे होंगे यहाँ पर कोर वन है लिखा हुआ है जिसका एग्जाम आपने हाल में दिया है, कोर टू नीचे सिलेबस है देखिए जो जिसका एग्जाम आपने दिया है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए सिलेबस दिया हुआ प्रैक्टिकल दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये जियोलॉजी का कोर का प्रैक्टिकल है जो SKMU के वेबसाइट पर दिया है, ठीक है स्टूडेंट। इसमें हमको अगर आपको मान लीजिए ये क्वेश्चन है इसी से आपको स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि प्रैक्टिकल कॉपी में अधिकतर स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, मतलब कि उसके बनावट, ठीक है, कैसा मुंह होता है, कैसा कान होता है, कैसा पाचन तंत्र होता है, सारा चीज यही सब बनाना पड़ता है। तो अब पहला है क्वेश्चन अर्थवर्म का एलिमेंट्री कनाल बनाना है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहीं से सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लिए, देखिए दाहिने साइड में कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी कर लेने के बाद बैक आपको फिर गूगल में आ जाना है, गूगल में आ गए, ठीक है। और गूगल में आने के बाद आपको यहाँ पर जो आपने क्वेश्चन कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है, देखिए पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, थोड़ा सा गूगल के पास प्रेस करेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आएगा, इसे पेस्ट कर दिए। और इसके बाद एक कीवर्ड लिखना है, तभी गूगल हमको हमारा प्रैक्टिकल फिल्टर करके देगा। वो कीवर्ड क्या है देखिए, आपका जियोलॉजी का प्रैक्टिकल आप खोज रहे हैं तो इसलिए इस टॉपिक से संबंधित यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जियोलॉजी लेब LAB लेब, इतने ही लिख के सर्च कर देंगे। सर्च जब करेंगे तो हमारा गूगल जो है उसको फिल्टर करेगा और आपको एलिमेंट्री कनाल के बारे में अर्थवर्म का वो आपको देगा। देखिए पहला जो लिंक आया उसी को खोलिए, देखिए पहला लिंक दिया हुआ है, देख रहे हैं ये किसके बारे में है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म यानी एलिमेंट्री कनाल के बारे में, इसी के बारे में मिलेगा। तो आप नीचे आइएगा तो देखिए आपको एलिमेंट्री कनाल मिलेगा, इसमें बहुत कुछ है, एलिमेंट्री कनाल ऑफ अर्थवर्म, इसी यही डायग्राम को आपको बनाना है। इस डायग्राम को बनाने के बाद ये इसका पार्ट्स है, ये लिखना होगा, ठीक है। यहाँ नंबरिंग कर दिया, देखिए हम चित्र को बड़ा करते हैं, आप समझिए थोड़ा सा। इसी तरह आप सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिकल निकालेंगे, देख रहे हैं एक नंबर, एक नंबर में क्या दर्शाना है, यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है एक नंबर में क्या है, यहाँ देखिए माउथ, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा प्रैक्टिकल कॉपी में एक नंबर में तीर देके माउथ, ओके स्टूडेंट्स। इस प्रकार आप प्रैक्टिकल को ये इतना ये डायग्राम बना लीजिए, माउथ के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए, ठीक है, जो जो टॉपिक्स हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख देने के बाद ये आपका एक प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया, नीचे वाला बनाना नहीं है। ये पहला क्वेश्चन हो गया, अब आपको दूसरा क्वेश्चन चाहिए तो दूसरा क्वेश्चन के लिए हमको फिर जाना होगा सिलेबस पर, ठीक है। तो सिलेबस को हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं, ये आ गया मेरा जियोलॉजी का सिलेबस, फिर से डाउनलोड करना होगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद हम सिलेबस के पेज पर जाएंगे, हम अपना प्रैक्टिकल वाले पेज पर जाएंगे जहाँ पर मेरा क्वेश्चन था कि हमको बनाना क्या है। तो आप देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन है क्या है, पवन नर्वस सिस्टम, इसमें से कुछ भी आप बना सकते हैं, हर यूनिट से दो दो बनाना है, ये ज़रूरी नहीं है कि सारा बनाना है, हर यूनिट से आपको दो दो क्वेश्चन बनाना है। ये देख रहे हैं आप यहाँ चार यूनिट दिया है, चार यूनिट से दो दो क्वेश्चन बनाना है। तो अब आते हैं हम दूसरा यूनिट से लेते हैं,
दूसरा यूनिट टू में है माउंटिंग, इसके अंदर से हम लोग लेते हैं अर्थोफोडा। अर्थोफोडा में ये जो बनाया है स्टेटोकाइस्ट ऑफ परवन, ठीक है, इसको हम लोग कॉपी करते हैं, इसको हम लोग प्रैक्टिकल में देंगे। आप कुछ भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ही डाले, हम जो दे रहे हैं कोई भी जो भी आंसर आपको सही लगता है इसका स्ट्रक्चर, इसको कॉपी कर लिए और फिर हम लोग बैक आ जाएंगे गूगल में। बैक कहाँ जाएंगे? गूगल में। और यहाँ पर जो कॉपी किए हैं अपना दूसरा क्वेश्चन उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ वही लिखना होगा जियोलॉजी प्रैक्टिकल, जियोलॉजी लैब, जियोलॉजी लैब, इतना लिखने के बाद ठीक है सर्च कर देंगे। देखिए क्या निकलता है इसके बारे में, हमारा क्या खोज रहे थे, स्टोकेस्टिस्ट ऑफ परवन, ठीक है। तो ये देखिए आ गया यहाँ पर, वीडियो भी है, आप वीडियो भी देख सकते हैं, ये देखिए आ गया ना, स्टोकेस्टिस्ट ऑफ परवन, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए इसमें कुछ नहीं दिया है, बैक आ जाइए, तब आपको ऊपर में मिल गया था, इसी को कर लेना है। एक डायग्राम को आपको इसको करना है, बस ये डायग्राम को आपको क्या करना है बना देना है। ये आपका प्रयोग संख्या 2 हो जाएगा और आप नीचे लिख देंगे स्टोकेस्ट ऑफ परवन, ठीक है। ये लिख देने के बाद स्टेटोसिस्ट ऑफ परवन, ठीक है, ये लिख देने के बाद आपका दूसरा प्रैक्टिकल हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा प्रैक्टिकल पर आते हैं कि तीसरा प्रैक्टिकल कैसे बनेगा जियोलॉजी का। इसी तरह हम आपको केमिस्ट्री का भी सिखाएंगे, अभी फिजिक्स का भी सिखाएंगे। आवाज अगर साफ आ रही हो तो एक बार कमेंट हो जाए कि सर आवाज आ रही है। अब आते हैं केमिस्ट्री बॉटनी पर, बॉटनी का थोड़ा सा हम लोग देख लें। अब हम लोग बॉटनी का सिलेबस को डाउनलोड किए हैं, अब बॉटनी का दिखाएंगे। आपने जियोलॉजी का देखा, अब बॉटनी का सिलेबस हमारे सामने खुल रहा है। बॉटनी देखिए यहाँ पर 3 तरह का दिया है बॉटनी। जब आप बॉटनी के सिलेबस पर जाएंगे तो 3 तरह का बॉटनी दिया है। पहला बॉटनी है देख लीजिए एलाइट, ए लिखा हुआ है, ए मतलब क्या होता है एलाइट। बहुत गर्मी है स्टूडेंट्स, फैन को चलाना पड़ा तो बस आवाज़ में आपको डिस्टर्ब होगा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है। हमारा स्टूडेंट एकदम हालत ख़राब हो गया है, उसको मुस्कुरा रही है, बोलते हैं तो ठीक है, चलिए हटाइए। एलाइट मतलब हो गया पास कोर्स, और मेजर मतलब, एम मतलब क्या हो गया मेजर, ए मतलब क्या हो गया एलाइट, एलाइट मतलब हो गया पास कोर्स, यानी आपका जो पास कोर्स है वो इसको टच करेंगे, और जो मेजर है मेजर को टच करेंगे। तो आइए हम लोग एलाइट का करके देखते हैं, इसको ओपन पीडीएफ, देखिए आ गया ये पास कोर्स का सिलेबस आ गया, देख रहे हैं। तो ये देखिए सेमेस्टर 1 में पास कोर्स का 101 है, प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन 101 पेपर, यानी इसी के आधार पर आपको बनाना है। देखिए यहाँ प्रैक्टिकल के बारे में क्या लिख रहा है, सेमेस्टर 1 का जो बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सारा कमिंग था, सर बॉटनी का सिलेबस बता दीजिए प्रैक्टिकल का। तो बॉटनी के प्रैक्टिकल का सिलेबस यही है, यहाँ पर देख रहे हैं कि सेमेस्टर 1 में जी का जो सिलेबस है प्रैक्टिकल में लिखा है बेस्ड ऑन बॉटनी 101, यानी किसका डायग्राम बनाने बोल रहा है, एलगे का, फंगी का, ब्रायोफाइटा का, ठीक है, पेट्री डायफाइटा का, ठीक है, गाइनोस्पर्म का, एंगियोस्पर्म का, इस सब का आपको डायग्राम बनाना होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फंगी को कॉपी कर लेंगे, फंगी को कॉपी कर लेंगे, खाली फंगी को करेंगे, ठीक है। फंगी आपका कॉपी हो गया, कॉपी कर लिए, अब फिर हम गूगल में चला जाएंगे। कहाँ चला जाएंगे, गूगल में। गूगल में जाने के बाद आवाज़ आ रही है, चेक करो एक बार,
फिर गूगल में चले गए, गूगल को खोलेंगे और यहाँ पर हम लोग उस क्वेश्चन को जो कॉपी किए थे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इस प्रकार बॉटनी का जो आप देख रहे हैं सिलेबस, ये फूंगी, अब यहाँ क्या लिखना है, बॉटनी लेब, तभी आपका प्रैक्टिकल गूगल जो है फिल्टर करके देगा और आप अपने कॉपी में बना सकते हैं। जब तक आप बॉटनी लेब नहीं लिखेंगे गूगल आपको फिल्टर करके आपका प्रैक्टिकल नहीं देगा, फूंगी। अब देखिए फूंगी के बॉटनी लेब, देखिए फूंगी लेब बॉटनी बायोलॉजी है ना, लेब फूंगी, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं सारा चीज़ें, बॉटनी प्लांट पैथोलॉजी फूंगी, इसको करना है, ठीक है। लेब यहाँ देख रहे हैं बहुत सारा नोट्स दिया हुआ है फूंगी के बारे में, एक्सरसाइज एनसीईआरटी, देखिए तो आपको ज़्यादा नहीं, पहला लिंक पर ही काम करना है, अधिकतर पहले ही मिल जाता है, इसको क्लिक करके देखिए आपको अभी फूंगी के बारे में क्या प्रैक्टिकल बनाना है, देखिए दे रहा है। देखिए फूंगी का प्रैक्टिकल है, इसमें स्ट्रक्चर नहीं दिया है फूंगी का, ये नहीं चलेगा। तो आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल बनाना फूंगी का, ठीक है, बॉटनी का, जी का, फूंगी विकिपीडिया, यहाँ आ जाइए, ये डायग्राम है, कुछ डायग्राम आपको बनाना होगा फूंगी के बारे में, देखिए यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, देख रहे हैं, ये देखिए छोटा छोटा डायग्राम दिया है, ये सब डायग्राम बनाना होगा। फूंगी लैब रिपोर्ट ऐसे बनाना है, फूंगी लैब रिपोर्ट खोलना है, लैब रिपोर्ट फूंगी ईस्ट, इसको खोलना है, सीधा लैब टेक्स्ट देख रहे हैं, ये प्रैक्टिकल है फूंगी के बारे में आपका बनेगा, बॉटनी के स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे, ठीक है, इस तरह आप प्रैक्टिकल बनाएंगे, ये प्रैक्टिकल है आपका, इस प्रकार गूगल में प्रैक्टिकल को खोजेंगे, ये फूंगी का प्रैक्टिकल है, ठीक है, ये आपका बॉटनी पहला है, ठीक है, इसको आप लोग गूगल में सर्च करेंगे जो तरीका होता है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में, बॉटनी का, बॉटनी जी का हम लोग अभी देख रहे हैं कैसे आप कॉपी बनाएंगे। अभी जियोलॉजी और इसके पहले हम सिखा चुके हैं, अब आते हैं हम लोग बॉटनी में, फिर हमको सिलेबस पर जाना होगा क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा सिलेबस में ही दिया है, तो हम लोग बॉटनी का सिलेबस को फिर डाउनलोड करेंगे और देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं आ गया बॉटनी, इसको क्लियर जैसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड अगेन, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये खुल गया, तो ए से क्या होता है एलाइड, बॉटनी एलाइड यानी बॉटनी पास कोर्स का, एम से क्या होता है बॉटनी मेजर, जिसका ऑनर्स है वो बॉटनी लेगा, बीच वाला नहीं है आप लोगों के लिए, एस के एम यू के यूजी सेमेस्टर वन के स्टूडेंट। हम लोग एलाइड का सीख रहे थे, एलाइड का सिलेबस को डाउनलोड करेंगे, ओपन, देखिए भी ओपन हो रहा है, ये सिलेबस ओपन हो गया। अब पहला जो प्रैक्टिकल है देखिए 101 सेमेस्टर वन, यहाँ लिखा हुआ है ना सेमेस्टर वन, तो इसका प्रैक्टिकल के बारे में बोला था कि जो थ्योरी है उसी के आधार पर था, हम लोगों ने फूंगी का सीखा, अब दूसरा हम लोग सीखते हैं एलगे का, किसका प्रैक्टिकल बनाना सीखेंगे, एलगे का, तो यहीं से एलगे को कॉपी कर लेंगे, क्या करेंगे यहीं से एलगे को कॉपी कर लेंगे, फिर गूगल में चले जाएंगे, अपना गूगल में जाएंगे और गूगल में जाके फिर एलगे को क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। इस प्रकार जो है बॉटनी का आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जो कॉपी किए थे उसको पेस्ट कर दिए और यहाँ लिख देंगे जियोलॉजी ई बॉटनी लेब, क्या लिख देंगे, बॉटनी लेब, तभी गूगल हमारा जो है सही प्रैक्टिकल को फिल्टर करके भेजेगा, नहीं तो नहीं भेजेगा। लेब लिख सकते हैं, प्रैक्टिकल लिख सकते हैं, एलगे बॉटनी लेब, देखिए अब इसका एलगे लेब मैनुअल एलगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया, बस यही आपका प्रैक्टिकल का आंसर है, क्वेश्चन जो आप देखते हैं, देखिए लेब मैनुअल एलगे, इसी को आपको अपने को कॉपी पर देखिए जनरल लेबोरेटरी प्रोड्यूस
एक्सरसाइज, देखिए समरी ऑफ रिटन लेबोरेटरी एक्सरसाइज लिंक पीडीएफ, इसको क्लिक कीजिए। देखिए आपके सामने लिंक आ जाएगा, पीडीएफ खुल जाएगा और इसी को आप लैब एक्सपर्ट, देखिए एलगे के बारे में यूज द सेल इन्वर्टेड, देखिए यही आपको करना है। एलगे है ना यहाँ पर, ये सही नहीं है, ये सही नहीं लगा हमें, हम लोग दूसरा फाइल खोलेंगे। लैब एलगे हो गए, एलगे बॉटनी, देखिए यहाँ देख रहे हैं यहाँ दिया हुआ है, इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये देखिए एलगे के बारे में भी यहाँ है, ये भी पूरा नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है। इसी तरह खोजना होगा, फ्री में नहीं मिलेगा। बॉटनी लैब मैनुअल बायोलॉजी लिब्रा टेस्ट एलगे ब्राइफाइटिक गुंगी प्लांट पैथोलॉजी लाइसेंस गुरु कॉलेज ग्रीन एलगे एलगे प्रैक्टिकल मैनुअल पीडीएफ, ये देखो। डाउनलोड फुल पीडीएफ, इस तरह आपको डाउनलोड करना होगा। देखिए पैसा मांग रहा है, ये प्रोग्रेस है, ये डाउनलोड इन प्रोग्रेस क्या लिख रहा है आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आ रहा होगा कि आपका जो सिलेबस है ये डाउनलोड हो रहा है, तो इसको डाउनलोड होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब बॉटनी का देख रहे हैं, अभी जी का अभी हम लोग खुद डाउनलोड हो रहा है, नेट का स्पीड बहुत कम है स्टूडेंट्स। ठीक है, इस प्रकार आप एलगे का करेंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा, आप आते हैं दूसरे सिलेबस पर। ठीक है, अब फिर हमको एसके में सिलेबस जाना होगा, बॉटनी का हम कंप्लीट कर देते हैं स्टूडेंट्स के लिए। देखिए सिलेबस बहुत सारे स्टूडेंट्स को बॉटनी का पता नहीं है, जी का क्या होगा और मेजर का क्या होगा, तो फिर हम डाउनलोड कर रहे हैं सिलेबस बॉटनी का। देखिए सिलेबस हो गया, फाइल खुल गया मेरा एसके एम यू का, डाउनलोड है, डाउनलोड कर लिए, डाउनलोड हो गया, ये खुल गया। ये बॉटनी का आपका, देखिए बॉटनी ए से क्या हो गया एलाइड और एम से क्या हो गया जिसका कोर है, जो पास कोर्स है वो एलाइड में खोलेंगे। ठीक है, ये खुल रहा है, ये आपका खुल गया। तो आप देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल में क्या लिख रहा है, सेमेस्टर वन बॉटनी 101, इसका प्रैक्टिकल में क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए बॉटनी का प्रैक्टिकल में क्या लिख रहा है, प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन पेपर बॉटनी 101 यहाँ लिख रहा है ना। तो हम लोगों ने अभी एलगे और फुंगी देखा, अब हम लोग देखेंगे पेट्रोडायफाइट्स, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। एक अगला क्वेश्चन ये है मेरा, इसको कॉपी कर लेंगे, कोई भी गाइनोस्पर्म कर लेते हैं, गाइनोस्पर्म के बारे में हमको लेबोरेटरी दिखाना है, तो इसको कॉपी कर लिए, फिर हम लोग गूगल में जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे कैसे करना है, हम तो रास्ता बता ही रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन हम कॉपी किए हैं उसको पेस्ट करेंगे अपना सिलेबस से, जो हमने कॉपी किया था उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, दाब के रखेंगे, पेस्ट का ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन पेस्ट हो गया, यहाँ लिख देंगे बॉटनी प्रैक्टिकल, क्या लिख देंगे, लैब लिखेंगे या प्रैक्टिकल लिखेंगे, तभी हमको देगा, नहीं तो नहीं देगा, तभी हमको मिलेगा बॉटनी प्रैक्टिकल, क्या लिख देंगे, बॉटनी प्रैक्टिकल, इतना लिख के सर्च कर देंगे क्वेश्चन को। सर्च करने के बाद देखिए बहुत सारा आ जाएगा, तो आपको इसमें से एक उतारना है। देखिए यहाँ फिगर दिया हुआ है, देखिए इसको आप वीडियो को भी देख के आप समझ सकते हैं, इस वीडियो को भी देखिएगा तो प्रैक्टिकल कैसे बनाना है आप सीख सकते हैं। ठीक है, देखिए लेबोरेटरी मैनुअल इसी को देखना है,
गायनोस्पर्म, यही आपका पेटिकल है, ठीक है, इसको आपको बनाना है कॉपी में, ठीक है, ये फिगर है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर बनाना होगा, इस तरह आपका प्रैक्टिकल कॉपी बनेगा, ठीक है। ये गायनोस्पर्म के बारे में हो गया, फिर एंगियोस्पर्म भी है, तो एंगियोस्पर्म भी यही दूसरा प्रैक्टिकल हमें मिल गया, इसका फिगर ये है, तो इस प्रकार आप इसका प्रैक्टिकल कॉपी बनाएंगे, देख रहे हैं। तो एंगियोस्पर्म भी आपका सिलेबस में दिया है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं लिखना है, एंगियोस्पर्म के बारे में इतना ही लिखना है जितना दिया हुआ है, ये फिगर बना देना है, ये आपका प्रैक्टिकल है, ये भी एक प्रैक्टिकल है और ऊपर वाला भी एक प्रैक्टिकल है, ये दो प्रैक्टिकल आपके मोबाइल में गूगल में है, जिस प्रकार आप बना सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, बहुत सारा फैसिलिटी है, ये आप देख रहे हैं गायनोस्पर्म और एंगियोस्पर्म, देखिए सिलेबस में एंगियोस्पर्म भी था, देखिए आपको सिलेबस में दिखा रहे हैं एंगियोस्पर्म भी था, तो इस प्रकार आप सिलेबस को प्रैक्टिकल को खोजेंगे और इस प्रकार बनाएंगे। देखिए बॉटनी का हम फिर से डाउनलोड करके दिखा रहे हैं आपको, देखिए राइट को खोलते हैं क्योंकि हम अभी पास कोर्स का देख रहे हैं, ठीक है, देखिए सिलेबस खुल गया, ये कुछ ऐड आएंगे, ऐड को हटाना होगा आपको, ठीक है, ऐड को हटाना होगा, तो देखिए एंगियोस्पर्म था, यहाँ देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, काम ही नहीं कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर आपका एंगियोस्पर्म था जिसको कि आपने अगला प्रैक्टिकल में देखा, इसी प्रकार आप बॉटनी का प्रैक्टिकल को बनाएंगे। अब आते हैं केमिस्ट्री पर, थोड़ा सा केमिस्ट्री का भी थोड़ा सा बता देने, तो बोलेंगे सर केमिस्ट्री का नहीं बताया, बहुत सारा स्टूडेंट का कंप्लेन आने लगेगा, तो आइए केमिस्ट्री का थोड़ा सा बता दें, केमिस्ट्री का सिलेबस कैसे डाउनलोड करेंगे, उसके बाद साइकोलॉजी का भी बता देंगे, सब बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। सिलेबस डाउनलोड करने के लिए गूगल पर क्या टाइप करेंगे, SKMU सिलेबस, ठीक है, फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे, सिलेबस के अंदर ही मेरा प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, तो हम लोग केमिस्ट्री का अब लेंगे, किसका लेंगे, केमिस्ट्री का क्या बनाना है, केमिस्ट्री को डाउनलोड पर जाएंगे, डाउनलोड को क्लिक किए, डाउनलोड करते हैं इसको, डाउनलोड करने के बाद मेरी सेक्रेटरी बगल में मुस्कुरा रही है, अब बोलिए, हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं वो मुस्कुरा रही है, है ये नहीं है कोई ऑनलाइन है किसने, देखिए सेमेस्टर वन कोर वन देख रहे हैं, कोर वन हो गया, अभी चल रहा है, अभी कोर टू आएगा, कोर टू इसके बाद प्रैक्टिकल मिलेगा, कोर वन कोर टू का सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिकल का सिलेबस मिलता है, ये देखिए सेमेस्टर वन का कोर वन का प्रैक्टिकल, अब क्या बनाना है, ये सब टॉपिक है, ये सब क्वेश्चन है आपका, दो ग्रुप में प्रैक्टिकल को बांटा गया है, ठीक है, केमिस्ट्री के स्टूडेंट ध्यान देंगे प्रैक्टिकल कैसे बनाएंगे अपने मोबाइल से, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्वेश्चन में से क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक एनालिसिस में पढ़ना है, कैलिब्रेशन एंड यूज ऑफ एपरेटस, ठीक है, ये पढ़ना है, इसको हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को यहीं से कॉपी कर लेंगे, कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से यहाँ से हम लोग पहला कोमा तक हम लोग इसको कॉपी करेंगे, क्या करेंगे, कोमा तक कॉपी करेंगे, दाहिने साइड में कॉपी का निशान आ रहा है, आप देखे होंगे, यहीं से हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, कैसे हट गया, हाँ बोल दो क्लास चल रहा है।
हाँ, इसको कॉपी कर लेने के बाद फिर हम लोग गूगल पर वापस जाएंगे। गूगल पर वापस जाने के बाद गूगल को खोलेंगे और यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने कॉपी किया था उसको क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। स्टूडेंट पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ लिख देंगे लैब। क्या लिख देंगे? लैब। ठीक है, सर्च कर देंगे। क्या क्वेश्चन था देखिए, आप क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। कैलिब्रेशन ऑफ यूज ऑफ एपरेटस, ठीक है, एपरेटस यूज एंड कैलिब्रेशन है ना, लैब ट्रेनिंग। देखिए इसको क्लिक कीजिए। देखिए इसको आपको लिख देना है प्रैक्टिकल कॉपी में, यही आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है, देख रहे हैं, यही सब आपका प्रैक्टिकल है जिसको कि आपको लिखना है कॉपी में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। और सारा प्रैक्टिकल नीचे दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। यहाँ देखिए, देखिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एवोल्यूशन एपरेटस। देखिए इसको आप क्लिक कर लीजिए, सबसे अच्छा प्रैक्टिकल है आपका केमिस्ट्री का, कोर वाले के लिए। इस प्रकार आप केमिस्ट्री का जो है आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। खुल रहा है स्टूडेंट्स, लिंक थोड़ा सा स्लो है। खुलने को टाइम लगता है, पीडीएफ है ना। ये नहीं खुल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारा लिंक है एक्सपेरिमेंट वन, इसको क्लिक कर लीजिए। नेट की स्लो है, वाईफाई बहुत स्लो है, लगता है टीवी खोल दिया है। इस तरह आप अपने जो है प्रैक्टिकल को डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल से बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। और आगे कोई कमेंट चाहते हैं, ज्योग्राफी का बहुत लोग स्टूडेंट कर रहे हैं कि सर जी का दीजिए, उसका स्पेशल वीडियो हम बहुत जल्द डाल देंगे। ज्योग्राफी जी का, बॉटनी जी का, आपका सिलेबस और कैसे आप बनाएंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।